कोर्ट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अबूरी जमानत दे दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए अदालत ने उन्हें अबूरी राहत दे दी है। वाजिर है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ताहल सरकारी एजेंसी ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जमानत की मुखालिफत की थी। आज पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से तीन तीन बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरी दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।